नच बलिए में जिन्होंने सबको नचाया, कॉमेडी में जो सबको हंसाते हैं। आज हम उन्हीं के घर आए हैं ये देखने के लिए कि वो घर में किसको कितना नचाते हैं और कितना हंसाते हैं। जी हाँ, हम सीपी शारदा की बात कर रहे हैं और सात बहू बेटियाँ आ गया है उनके घर, तो आइए चलते हैं। हेलो पलक, नमस्ते नमस्ते, आइए 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 आइए, वेलकम वेलकम वेलकम। पहले बताइए, सास बहू बेटियाँ आज आपके घर पे धावा बोलने आया है, उसके बारे में पहले बताइए क्या कहेंगे। आपने धावा बोल ही दिया तो मैं आपको रोक तो सकता नहीं हूँ, तो आइए मैं अपना घर के परिवार वालों से भी आपको मिला देता हूँ, अपने घर से भी आपको मिला देता हूँ। मैं मुंबई में ही पला बड़ा हूँ, ऑल्दो मैं जोधपुर राजस्थान में पैदा हुआ था, मेरे पिताजी वहाँ से हैं, जोधपुर से। मेरा असली नाम जो है वो है राघवेंद्र और सरनेम है शारदा, तो मुझे क्योंकि नाम थोड़ा सा लंबा था राघवेंद्र, लोगों को बोलने में थोड़ी सी तकलीफ होती थी, तो मुझे हमेशा शारदा शारदा बुलाते थे और मुझे बड़ा अजीब लगता था यार कि यार ये मुझे सरनेम से क्यों बुलाते हैं, और शारदा फिर ऐसा लगता कि लड़कियों का नाम है। फिर मैं जब कॉलेज में पहुंचा तो मैंने लोगों को बताया कि मेरा नाम कीकू है, मैं एक नई शुरुआत की के भाई, और कीकू मेरे घर का नाम था। स्कूल के जो फंक्शंस होते थे उसमें स्टेज पे हमेशा खड़े होकर मैं कुछ ना कुछ करता था, क्या करता था वो भी याद नहीं, लेकिन मैं मुझे इतना पता है कि मैं हमेशा स्टेज पर था। ये मुझे नचबलिए की तरफ से मिला है, ये नचबलिए ने मुझे दिया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कुछ कैरेक्टर यहाँ है, कुछ कैरेक्टर वहाँ है, तो काफी कैरेक्टर्स मैंने प्ले किए, ये नचबलिए के कैरेक्टर्स हैं। पलक ने जो अभी धमाल मचा रखा है उसके बारे में क्या कहेंगे, मतलब कीकू तो अब कीकू के नाम से कम पलक के नाम से ज्यादा जाने जाने लगे। जी हाँ, वो तो है, अब पलक इतनी फेमस हो जाएगी ये सोचा नहीं था, लेकिन पलक हाँ अभी काफी लोग मुझे पलक के नाम से जानते हैं, जहाँ मिलते हैं एयरपोर्ट पे या कहीं भी दूसरे शहरों में भी और मॉल्स में, और तो पलक पलक पलक, मतलब कई बार तो लोग ये भी भूल जाते हैं कि भाई आप एक आदमी से मिल रहे हैं और मुझे हाथ मिला के आज कैसी है पलक। अच्छा एक और चीज, हम घर पे आए हैं तो जाहिर सी बात हम घर तो घूमेंगे, आपका घर कैसा है? देखिए आइए, आप घर जो है एक्चुअली डिवाइडेड है ग्राउंड फ्लोर प्लस थ्री फ्लोर्स में, तो हम जो खड़े हैं ये फर्स्ट फ्लोर है, यहाँ पर किचन है, डाइनिंग एरिया है, और साथ में ये जो जगह है यहाँ हमारी हैंग आउट जगह है, बच्चे बच्चे सब यहाँ पर बैठ के चिल करते हैं। यहाँ पे एक और चीज आप देख सकते हैं कि ये हमारे परिवार के बच्चे हैं, ये दोनों जो मेरे बेटे हैं यहाँ पर, ऐश्वर्या है या आर्यन है, और ये मेरे बड़े भाई हैं जो न्यूयॉर्क में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, उनकी बेटी है सिमरन और उनका बेटा है ये करण। ये हमारे परिवार का हिस्सा नहीं है लेकिन फिर भी हमने इन्हें यहाँ पर जगह दी है, ये मोनालिसा है। हमारा डाइनिंग एरिया है, खाना अभी लग रहा है, ये हमने जरा जगह खाली रखी है कि हमें नच बलिए में हम जो डांस करते थे प्रैक्टिस कहाँ करते थे, हमने जगह बनाई है नाचने के लिए। ये प्रियंका की कंप्लेंट थी कि अरे हमारा ये कीकू तो बहुत बिजी रहते हैं तो साथ में वक्त नहीं बिताते, तो जरा दूरियां सी बढ़ गई हैं, तो अब नच बलिए ने इतना करीब ले आए हैं हमें कुछ, तो अब नजदीकियां बढ़ गई हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे कुछ परिवार की फोटोज हैं, कुछ दोस्त हैं। ये मेरे दोनों बेटे हैं जो कि लाइव भी खड़े हैं यहाँ पे। ये बच्चों का कमरा है जो कि यहाँ पर अभी गेम चल रहा है, आप ये देखें पूरा शौक इनको, जो स्पाइडरमैन और आयरन मैन का शौक है वो पूरा चमक रहा है। यहाँ पर कुछ हमारे नच बलिए के गेटअप्स भी हैं, अगर आप देख सकते हैं, तो बच्चे रोज सुबह जाकर जबरदस्ती हम अपने बच्चों को अपनी शक्ल दिखाते हैं, चाहे वो देखना चाहें या ना देखना चाहें। लीजिए सास बहू और बेटिया में आज मेरा पूरा परिवार आया हुआ है, सास और बेटियां तो नहीं आई है लेकिन घर की बहू है ये प्रियंका, यहाँ पर
और ये हमारे दो लड्डू हैं। कीकू की जिंदगी का सबसे दिलचस्प मोड़ है इनकी शादी। तो चलिए सुनते हैं इनकी शादी की कहानी। जितना जितना कीकू टीवी पे जितना हंसाते हैं, इतना शायद मुझे एकदम भी नहीं हंसाते। ही इज नॉट फनी एट ऑल एट होम, ही इज रियली रियली बोरिंग। अरेंज मैरिज है हमारी जो हुई। प्रियंका यहाँ की रहने वाली नहीं है, ये मलेशिया में रहती थी, कुआलालंपुर नाम के शहर में। और संभव मारवाड़ी हम दोनों हैं, तो यही जो बायोडेटा घूम रहे थे उनका घूमते हुए हमारे पास आया और मेरा बायोडेटा घूमते हुए इनके पास गया। और तब मतलब मेरे ख्याल से दोनों तरफ से यही था कि चलो मिल लेते हैं, ये इंटरेस्टिंग है ये मैच, तो जरा मिल के देखते हैं। इनफैक्ट जब मैंने हम लोग प्रेट टिपिकल मारवाड़ी, तो ऐसे जल्दी से नजर नहीं मिल, एटलीस्ट आई फेल्ट एम्बैरस्ड क्योंकि ये पहली बार था कि मैं एक लड़के को देख रही थी। तो आग भी उठा के से धीरे से देखा एंड ऑल दैट। सो द फर्स्ट थिंग विच मुझे अट्रैक्ट किया वॉज हिज आईज, आई जस्ट लव हिज आईज। यू नो मैं पहले बोलती थी कि आई लव हिज आईज, अब तो सो एक्सप्रेसिव यार। तो वी लोग 4:35 o'clock निकलते हैं, 9 बजे तक वापस घर नहीं लौट के आते थे। जस्ट प्लेइंग, यू नो हमारे सोसाइटी इज रियली नाइस एंड ऑल, रोड पे खेलते रहेंगे क्रिकेट, कभी फुटबॉल। मतलब पापा घर पे होते तो बच्चे मुझे ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। भाई कीको की पूरी फैमिली डांस की इतनी शौकीन है कि इनका पूरा ही परिवार एक साथ डांस करता है। तो चलिए देखें इनकी डांस की एक झलक। सबने अपना अपना टैलेंट दिखा दिया है, अब इससे ज्यादा टैलेंट दिखाने के लिए अगर आप इन्हें कहेंगे तो इतना ज्यादा टैलेंट दिख जाएगा इस घर के अंदर कि कुछ चीजें टूट भी सकती हैं। तो मैं अवॉइड करना चाहूंगा कि प्लीज अब आप इन्हें छोड़ दें, इन दोनों को जाने दें। कीकू बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर लेते हैं उनको, मैं ज्यादातर कार्ड में ही लिख के दे देती हूँ जो मुझे कहना है एंड ऑल दैट। जब बर्थडे कार्ड एंड वैलेंटाइन डे का कार्ड है ना, मेरा उसी में लिखा रहता है। मैं एक्चुअली क्या, हम लोग का रिलेशन भी ऐसा है कि हमें रोज कहने की जरूरत नहीं है कि कीकू आई लव यू या प्रियंका आई लव यू। इतने सालों के बाद नहीं कहते। मैं प्रियंका से सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि प्रियंका एक्चुअली मैं नजबली ने कोशिश किया रोमांस निकाल के, कुछ नहीं निकला इधर। मोस्ट ऑफ द टाइम हम जब भी कुछ रोमांटिक कहने की कोशिश करते थे हम हंस पड़ते, बस वो ही रह जाता है। अब बार रोमांटिक बातें नहीं निकलती मुंह से, आप समझते कि नहीं है बात। प्रियंका देखो आगे भी देखो। प्रियंका एक मिनट, हाँ तो बस निकाल रहे। प्रियंका फिर से कोशिश कर रहे हैं एक बार। प्रियंका मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। बहुत कोशिश करके इतना कर पाए। अब हम चाहेंगे कि हम आगे की तरफ रुक करें, मतलब अभी कीकू जी जो है वो जाने वाले हैं शूटिंग पे और हम उनके साथ जाएंगे ये देखने के लिए कि वो कीकू से पलक कैसे बनते हैं। ओ ओ ओ राइट राइट राइट, तो आइए मेरे साथ चलिए और देखिए। ओ ओ ओ ओ ओ प्लीज, ओके प्लीज प्लीज। शूटिंग लोकेशन पे पहुंचे हैं और अब थोड़ी देर में यानी कि अब 10-15 मिनट के बाद आपको मिलेगी पलक। हाय जैसे कि मैं पहले कह चुकी हूँ, टाइम लगता है और मुझे अब एहसास हो रहा है कि लड़कियों को कितनी तकलीफ होती होगी। तैयार वैयार होना कोई आसान बात नहीं है। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि बहुत ही
खूबसूरत पटाखा परी जैसी लग रही है पलक अभी। कीकू की सक्सेस में पलक का काफी हाथ है और पलक कीकू के जीवन का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है और रहेगा।